हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं तीसरे चैप्टर में क्या है। देखिए, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव की गणना है। ये आप लोगों के बोर्ड पेपर में लगभग इस साल 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 70% आने के चांस है, क्योंकि ये आन साल में देखा गया है कि लगभग 2-3 साल पहले हमेशा पूछा गया है। तो आइए इसको कवर करते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारा अनंत पर क्यू नॉट आवेश है। इस आवेश को हम इस बिंदु पी पर लाएंगे, इस बिंदु पी पर लाएंगे तो एक कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इस आवेश को अनंत पर न होकर इस आवेश से यक्ष दूरी पर यहाँ पर स्थित है। तो हम मान लेते हैं क्यू नॉट आवेश इस आवेश से यक्ष दूरी पर स्थित है। अब देखिए, ये प्लस क्यू आवेश है, ये परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश गरीब तो जरूर होता है, लेकिन धन होता है या धन आवेश होता है। ये देखिए, धन आवेश, धन आवेश, दो धन आवेश हैं, इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण का बल लगेगा, ये इस पर बल लगाएगा। तो देखिए, ये इस पर बल लगाएगा तो ये इसको इधर की ओर ढकेलेगा, ठीक है। ये प्लस क्यू इसको इधर की ओर ढकेलेगा। अब देखिए, हम इस आवेश को इस बिंदु तक लाना चाहते हैं, इस क्यू नॉट आवेश को हम इधर थोड़ा सा लाएंगे। तो हम मान लेते हैं इस आवेश को हम थोड़ा सा लाएंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट यक्स है, डी एक्स मान लेते हैं, ये थोड़ा सा विस्थापन हुआ है तो इसे हम मान लेते हैं डी एक्स। अब देखिए, अब लिखेंगे प्लस क्यू के कारण क्यू नॉट पर लगाया गया बल। तो अब देखिए, इसे लिखेंगे माना परीक्षण, परीक्षण आवेश क्यू नॉट है जो प्लस क्यू आवेश आवेश से यक्ष दूरी पर स्थित है। तो प्लस क्यू के कारण क्यू नॉट पर लगाया गया बल यप कोष्टक में लिख लेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से, ठीक है। देखिए, कूलाम का नियम कहता है यप बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपान में आर स्क्वायर। ये हमारा देखिए कूलाम का नियम है। अब देखिए, हम निकालेंगे इसमें यह बराबर हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। यहाँ पे देखिए क्यू है और क्यू नॉट, क्यू क्यू नॉट, इन दोनों के बीच की दूरी यक्स है, यहाँ पे लिख देंगे यक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर एक। अब क्या करेंगे, अब देखिए, ये समीकरण नंबर एक मान लिए हैं। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए हमने क्यू नॉट आवेश को इधर थोड़ा सा विस्थापित किया है, तो देखिए बल और विस्थापन के बीच जो कोण बना है हमारा वो ऐसे है, ये हो जाएगा हमारा थीटा बराबर 180 अंश। तो देखिए, क्यू नॉट को अति सूक्ष्म विस्थापित करने में किया गया कार्य, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे क्यू नॉट आवेश को अति सूक्ष्म विस्थापित 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 करने में किया गया कार्य, करने में किया गया
कार्य। तो देखिए हमने छोटा सा विस्थापन किया है, यहाँ पर हमारा कार्य आ जाएगा डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी एक्स। डी का मतलब है कि छोटा है, डी का मतलब है छोटा है, ठीक है। अब देखिए डी डब्ल्यू एफ इंटू डी एक्स कॉस थीटा होता है यहाँ पे। अब देखिए इसमें मान रखेंगे एफ, यहाँ पे एफ है तो एफ का मान यहाँ से रख लेंगे, और कॉस थीटा यहाँ पे एक्स वर्सी अंश है तो कॉस थीटा का यहाँ से मान रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए डी डब्ल्यू बराबर वन अपान में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपान में एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू, यहाँ पे डी एक्स है, यहाँ पे डी एक्स को ऐसे का ऐसा, कॉस थीटा का मान होता है, कॉस थीटा का मान है 180 अंश, यहाँ पे कॉस थीटा बराबर 180 अंश लिख देंगे, तो कॉस 180 अंश। तो देखिए अब डी डब्ल्यू बराबर फिर लिखेंगे डी डब्ल्यू बराबर वन अपान में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे का ऐसा क्यू क्यू नॉट एक्स स्क्वायर। देखिए कॉस 180 अंश का मान होता है माइनस एक, तो हम माइनस को यहाँ पे लिख देते हैं, अब डी एक्स को ऐसे का ऐसा। अब देखिए यहाँ पे डी डब्ल्यू वन अपान में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपान में एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हमारा छोटा कार्य आ गया है। अब निकालेंगे बड़ा कार्य, यहाँ पर लिखेंगे क्यू नॉट को आर दूरी तक लाने में किया गया कार्य, अर्थात अनंत से आर दूरी तक लाने में किया गया कार्य। यहाँ से लिखें अनंत से क्यू नॉट आवेश को आर दूरी तक लाने में किया गया कार्य। तो आइए यहां पे लिखते हैं आप, तो हमारा हो जाएगा देखिए लाने में किया गया कार्य, तो समाकलन करने पर लाने में किया गया कार्य हो जाएगा डी, यहाँ पे हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर वन अपान में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट इंटू डी एक्स। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। देखिए अब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो हमारा आ जाएगा समाकलन डी डब्ल्यू बराबर समाकलन वन अपान में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपना क्यू क्यू नॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए समाकलन में अब लिमिट लगेगी, यहाँ पर देखिए अनंत से आर तक है, तो देखिए जहाँ से चले हैं और जहाँ पर गए हैं, यानी कि अनंत से हमें आर तक लाना है। देखिए जब तक हमने काम को स्टार्ट नहीं किया था तब तक हमारा कार्य जीरो था, अब काम को स्टार्ट करें हैं तो हमारा हो जाएगा कार्य डब्लू। लिमिट आप लोग रख लीजिएगा इसे। अब देखिए अब इसका समाकलन करेंगे, इसका समाकलन हो जाएगा डब्लू के पावर जीरो फिर डी डब्लू फिर जीरो से डब्लू तक। अब देखिए ये अचर पद को बाहर निकालते हैं, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो इसका कोई समाकलन नहीं निकल पाएगा, तो वन अपान में फोर पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे माइनस है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस है वन अपान में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट एक्स स्क्वायर को नहीं। अब ये देखिए इसका समाकलन हो जाएगा वन अपान में एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये अनंत से हो जाएगा आर तक, ठीक है। अब देखिए अब इसका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा डब्लू के पावर जीरो प्लस वन अपान में जीरो प्लस वन, लिमिट रख देंगे ऐसे जीरो टू डब्लू बराबर, इसको ऐसे का ऐसा उतार देंगे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट
यहाँ पे यक्ष नहीं रहेगा, यहाँ पे आ गया, हो जाएगा अपना यहाँ पे। अब इसका समाकलन करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यक्स माइनस टू, यहाँ पे हो जाएगा इसका समाकलन, इस तरह कोष्टक में कर देंगे, यहाँ पे यक्स माइनस टू प्लस वन, यहाँ पे माइनस टू प्लस वन, यहाँ पे लिमिट लगा देंगे अनंत से आर। अब देखिए, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ये जो गणित पढ़ा है उसके लिए बहुत ही आसान लगेगा, बायो वालों को थोड़ा सा थोड़ा दिक्कत लगेगा, लेकिन आप लोग समाकलन जाके समाकलन वाले टीचर से पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद ये आप लोगों को प्यार करने लगेगा। तो देखिए, ये 0 प्लस 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना डब्लू, सिर्फ यहाँ पे लिमिट रख देंगे 0 to W। अब देखिए, ये 1/4 πε0, 4 πε0 क्यू क्यू नॉट। अब देखिए, यहाँ पे हो जाएगा अपना, ये माइनस टू है, तो यहाँ पे यक्स माइनस वन हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस वन, लिमिट रख लगाएंगे अनंत से आर। अब देखिए, यहाँ पे लिमिट अब रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा, पहले इसको लिखेंगे फिर इसको घटाए देंगे, तो यहाँ पे डब्लू माइनस जीरो हो जाएगा, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, डब्लू में से जीरो घटाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, डब्ल्यू माइनस जीरो बराबर 1/4 πε0 क्यू क्यू नॉट। अब देखिए, इस यक्स माइनस वन है, तो इस यक्स माइनस वन को नीचे लाएंगे तो 1/ में यक्स हो जाएगा, ये माइनस इसके पास आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अपना माइनस 1/ में यक्स, यहाँ पर अभी लिमिट रहने देंगे 0 to R। अब देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर W हो जाएगा 1/4 πε0 क्यू क्यू नॉट। अब देखिए, यहाँ पर लिमिट रखेंगे, यहाँ पर माइनस था, ठीक है, तो ये देखिए, ये माइनस आपस में कट जाएंगे, अब बचेगा वो, अब देखिए मान लिमिट रखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा अपना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/R माइनस 1/अनंत, 1/अनंत जीरो हो जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर W बराबर हमारा आया है 1/4 πε0 क्यू क्यू नॉट, यहाँ पर लिखेंगे क्यू क्यू नॉट 1/4 πε0। अब देखिए, यहाँ पर माइनस 1/अनंत, ये सब जीरो हो जाएगा, तो बचेगा हमारा आर, ये हमारा देखिए अनंत से आर दूरी तक लाने में किया गया कार्य हमारा निकल गया। हम निकालेंगे प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव, यहाँ पे लिखेंगे प्लस क्यू के कारण कारण वैद्युत विभव, यानी कि भी आप लोगों ने भी बराबर पढ़ा है, भी बराबर होता है W/Q0, ये हमारा सूत्र होता है विभव का, पोटेंशियल का। तो यहाँ पे देखिए, भी बराबर यहाँ से W का मान रख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा क्यू क्यू नॉट 4 πε0 R हो जाएगा, अपान में क्यू नॉट हो जाएगा, इसके नीचे एक लिखेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा भी बराबर आ जाएगा, भी बराबर क्यू 4 πε0 आर, यही हमारा बिंदु पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सूत्र है। इसका मात्रक आप लोग लिखना चाहते हैं तो आप लोग अपने से लिख लीजिएगा। आप लोगों को एक राज की बात बताते हैं, देखिए विभव एक अदिश राशि है, देखिए, और एक बात बताते हैं, पृथ्वी का जो विभव होता है वो शून्य होता है, ये आप लोगों को लगभग एक नंबर में पूछ देता है बोर्ड, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब देखिए, इसको एक बार और फिर से समझ लेते हैं, देखिए आप लोग इसमें क्या करिएगा, एक निर्वात में प्लस क्यू आवेश रखिएगा, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, अब यहाँ पर अनंत से एक क्यू नॉट आवेश को आर दूरी पर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइएगा, प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फिर उसके बाद क्या करिएगा, मान लीजिएगा एक हिसाब से, मान लीजिएगा ये क्यू नॉट आवेश
इस प्लस क्यू आवेश से यक्ष दूरी पर स्थित है। अब इसके बाद निकालिएगा प्लस क्यू, क्यू नॉट पर बल लगाएगा जो कि उधर की ओर लगेगा, ये दोनों प्लस ही हो जाएंगे। ये देखिए परीक्षण आवेश है, देखने में है लेकिन ये प्लस आवेश रखता है अपने में, ये प्लस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा तो यहाँ पे बल उधर की ओर लगेगा। यहाँ पे हम क्यू नॉट आवेश को थोड़ा सा विस्थापित किया है यहाँ पे, तो अब इसके कारण अब देखिए लिखेंगे सब, उसके बाद लिखेंगे प्लस क्यू के कारण क्यू नॉट पे लगाया गया बल, या माना परीक्षण आवेश क्यू नॉट है जो प्लस क्यू आवेश से यक दूरी पर स्थित है, तो क्यू प्लस क्यू के कारण क्यू नॉट पर लगाया गया बल। कूलाम के नियम से यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे कूलाम के नियम थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन था, यहाँ पे उसका मान रख दिया हम। फिर यहाँ पे निकालेंगे क्यू नॉट आवेश को अति सूक्ष्म विस्थापित करने में किया गया कार्य, यहाँ पे हमने क्यू नॉट आवेश को थोड़ा सा विस्थापित किया है, यहाँ पे इसके द्वारा किया गया कार्य भी छोटा होगा, तो हमने पहले छोटा कार्य निकाला है, उसके बाद देखिए अनंत से क्यू नॉट आवेश को आर दूरी तक लाने में किया गया कार्य, यानी कि अब हमारा बड़ा कार्य होगा, यानी कि बड़ा कार्य का मतलब अनंत से, ये यह अनंत यहाँ पे है, यहाँ पे आर है, अनंत से इसको यहाँ पर लाएंगे। छोटा कार्य में यह था कि यहाँ पे ये है क्यू नॉट आवेश, यहाँ पर आर है, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में छोटा कार्य, यहाँ से यहाँ तक लाने में बड़ा कार्य। तो यहाँ पर देखिए क्यू नॉट आवेश को अति सूक्ष्म विस्थापित करने में किया गया कार्य, यहाँ पे हमने क्यू नॉट आवेश को थोड़ा सा विस्थापित किया है, तो यहाँ पे हमारा डी एक्स निकल गया है, यहाँ पे हमने छोटा कार्य किया है डी डब्ल्यू यफ इंटू डी एक्स कॉस थीटा, थीटा का मान यफ और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो कोण है हमारा 180 अंश का कोण बना है, यहाँ पे हम कॉस थीटा की जगह पर 180 अंश रखेंगे। उसके बाद डी डब्ल्यू वन अपन यहाँ से यफ का मान रख लेंगे, वन अपन में 4π ε0 क्यू क्यू नॉट यक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इतना हमारा छोटा कार्य निकल गया, अब हम निकालेंगे अनंत से आर दूरी तक किया गया कार्य, तो अनंत से आर दूरी तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा गया अनंत से क्यू नॉट आवेश को आर दूरी तक लाने में किया गया कार्य, यहाँ पे हमने अनंत से आर दूरी तक लाया है, यहाँ पे डी डब्ल्यू वन अपन 4π ε0 क्यू क्यू नॉट यक्स स्क्वायर डी एक्स। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे तो हमारा आ जाएगा अनंत से आर दूरी तक किया गया कार्य, यानी कि बड़ा कार्य। यहाँ पे हमने समाकलन किया है, समाकलन करने के बाद देखिए हमने इसका समाकलन किया है, यहाँ पे डी डब्ल्यू लिमिट लगाया है 0 से W तक, इसका समाकलन किया है तो अनंत से आर तक, ठीक है अनंत से आर तक ला रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे डब्ल्यू की पावर 0, यहाँ पे कुछ नहीं था तो डब्ल्यू की पावर हमने 0 लिख दिया है। यहाँ पर देखिए एक गलती है, यहाँ पर डब्ल्यू रहेगा, रुको रहो तंसा, यहाँ पे डब्ल्यू की पावर 0 डी डब्ल्यू हो जाएगा 1/4π ε0 क्यू क्यू नॉट, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो आप देखिए यहाँ पर 1/x² डी एक्स, अब इसके सापेक्ष तुलना कर देंगे x के, 1/x² डी एक्स है तो इसके सापेक्ष हम समाकलन कर देंगे। समाकलन करने के बाद देखिए यहाँ पे देखिए समाकलन का एक सूत्र होता है, ऊपर जोड़ देते हैं और नीचे भी जोड़ते हैं, तो डब्ल्यू 0+1/0+1 1/4π ε0 क्यू क्यू नॉट। यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा हमने यक्स स्क्वायर को ऊपर ले गया है तो यहाँ पे -2 हो गया है, तो इसमें समाकलन डायरेक्ट हमने कर दिया है तो +1 यहाँ पे हो जाएगा, -2+1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका समाकलन किया तो डब्ल्यू हो गया 1/4π ε0 क्यू इसको क्यू नॉट, ये हमारा कॉन्स्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे इसको घटाया तो यहाँ पे यक्स की पावर -1 हो गया, यहाँ पे -1 है। अब देखिए ये माइनस दोनों आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे डब्ल्यू बराबर आ जाएगा हमारा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमने लिमिट का मान रखा है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डब्ल्यू -0 1/4π ε0 क्यू क्यू नॉट। अब देखिए 1/x मैंने यक्स -1 को नीचे लाया तो 1/x हो जाएगा प्लस में, अब 0 अनंत से आर तक। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा डब्ल्यू बराबर 1/4π ε0 क्यू क्यू नॉट। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 1/r -1/ अनंत हो जाएगा, तो 1/अनंत 0 हो जाएगा अपना, इसका काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा डब्ल्यू बराबर क्यू क्यू नॉट 4π ε0 आर। अब ये हमारा बड़ा कार्य निकल चुका है अनंत से आर दूरी तक का। अब देखिए प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव निकालेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे देखिए प्लस क्यू के कारण वैद्युत विभव वी बराबर W/Q0, वैद्युत विभव का यह सूत्र है, इसको मैं घेर देता हूँ, ये सूत्र है।
इसमें हमने देखिए मान रखा है वी को ऐसे का ऐसा, डब्ल्यू को मान हमने यहाँ से रखा है वन अपान में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट, यहाँ पे आर हो जाएगा अपान में आर। अब देखिए क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा तो वी बराबर हमारा बचेगा क्यू अपान में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यही हमारा वैद्युत विभव निकालने का सूत्र है। तो सबसे पहले इसमें आप लोग क्या करिएगा, पहले आप लोग कूलम के नियम से बल निकालिएगा, उसके बाद आप लोग छोटा कार्य निकाल लीजिएगा, छोटा कार्य निकालने के बाद अनंत से आर दूरी तक का बड़ा कार्य निकालिएगा, बड़ा कार्य निकालने के लिए समाकलन कर दीजिएगा उसका, छोटे कार्य का समाकलन करने के बाद जो आएगा मान, अब उसको प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव, वी का सूत्र होता है डब्ल्यू अपान में क्यू नॉट, यहाँ पर डब्ल्यू का मान रख दीजिएगा और क्यू नॉट से कट जाएगा, यहाँ पे वी बराबर वन अपान में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर आ जाएगा। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, तो मैंने फुल एनर्जी के साथ आप लोगों को इस कंसेप्ट को समझाया है। तो यदि आप लोगों को थोड़ा भी वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जिन दोस्तों को इस वीडियो की ज़रूरत है उसके पास शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ वो भी पढ़ता रहे। तब तक फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।